नमस्कार, मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं विश्व की टॉप 10 कंट्रीज एरिया वाइज 10 बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और फिर उसके बाद पॉपुलेशन वाइज 10 बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और इसके बाद मैंने एक और चीज़ जो डिस्कस करने के लिए लाया है वो है टॉप लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड। ओके, बिकॉज इनसे क्वेश्चन जरूर ही मैक्सिमम एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो वीडियो तैयार करना शुरू किया है तो मैं एक चीज़ को देख रहा हूँ। मैं पूरे पिछले 4 साल 5 साल के पेपर्स देख के फिर उसको स्टडी करके फिर क्वेश्चन पैटर्न को देख के फिर दिमाग में लाकर वीडियो बनाता हूँ। तो ये बहुत ही वेल रिसर्च वीडियो है और आप इसे ध्यान से सुनिए, वीडियो पूरा का पूरा देखें, बिकॉज एक मिनट का भी वीडियो छोड़ना हो सकता है एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन आपका मिस करा दे। ओके, सो प्लीज़ वॉच द फुल वीडियो और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने का प्रयास कीजिए। एक और ज़रूरी बात कि मैंने महामना एजुकेशन हब के नाम से फेसबुक पर भी पेज बना दिया है, तो उस पेज को फॉलो कीजिए क्योंकि ये सब वीडियोस वहाँ पे भी पोस्ट होंगी। ओके, सो नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। देखिए, एरिया वाइज 10 बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ध्यान से सुनिए। एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के 10 बड़े राष्ट्रों का नाम है आपके सामने। ओके, तो सबसे जो बड़ा देश है एरिया वाइज, सबसे पहला नंबर पे है वो है रशिया, मतलब रूस। ओके, ये स्थित कहाँ पे है? ये है यूरोप और एशिया, मतलब यूरेशिया में स्थित है। तो रशिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एज पर एरिया। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कनाडा। कनाडा इज इन नॉर्थ अमेरिका और यूएस का पड़ोसी देश है कनाडा, जहाँ पे हिंदुस्तान का बहुत सारा पॉपुलेशन रहता है, स्पेशली पंजाबी। तो कनाडा क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है। तीसरा जो है वो है चाइना। चाइना, चीन, हमारा पड़ोसी देश, भारत का पड़ोसी देश चीन एशिया में स्थित है और ये तीसरे नंबर पे है। चौथा है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑलराइट, चौथा नंबर पे कौन है? यूएसए। ओके, फर्स्ट इज ब्राज़ील। ब्राज़ील साउथ अमेरिका में स्थित है और फुटबॉल के लिए अभी तक ये देश जो है ये 5 बार फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल जीत चुका है। ब्राज़ील इज ऑन नंबर 5th। सिक्स नंबर पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जो क्रिकेट के नाम पे जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑन 5th नंबर। ऑलराइट, ऑस्ट्रेलिया 5th नंबर पे है, साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित है। नेक्स्ट है 7th नंबर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा इंडिया, एशिया में स्थित है इंडिया। इंडिया इज ऑन 7th नंबर एज पर एरिया वाइज रैंकिंग रादर। नेक्स्ट इज अर्जेंटीना। 8th नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका। 9th इज कजाकिस्तान। 9th इज कजाकिस्तान, अगेन यूरोप एंड एशिया में स्थित है। उसके 10वें नंबर पे है अल्जीरिया अफ्रीका। अब मैं देख लिए बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है 4 कंट्रीज के नाम दे दे आपसे और पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल अरेंज्ड एज पर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर एरिया वाइज जो भी कंट्रीज हैं। तो ये इसलिए आपको एटलीस्ट टॉप 10 याद रखना होगा। तो मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ, सबसे पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे है चाइना, चौथे पे है यूएसए, पांचवें पे है ब्राज़ील, छठे पे है ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे है इंडिया, आठवें पे है अर्जेंटीना, नौवें पे है कजाकिस्तान, दसवें पे है अल्जीरिया। तो ये आपको जरूर याद रखना होगा क्योंकि ये इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा। जरूरी नहीं कि डायरेक्ट तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हाँ भाई इंडिया की रैंकिंग कौन सी है एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में, तो आप बोल देंगे कि 7वें पे, पहले पे कौन है? रशिया, दूसरे पे कनाडा। लेकिन अब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर उस तरह से पूछ लिया जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस, तो उसमें आपको हो सकता है दिक्कत आवे। इसलिए आप 10 के 10 याद करके रखिएगा, 2-3 बार इस वीडियो को देख लेंगे तो निश्चय ही याद हो जाएगा। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, रशिया 1st, कनाडा 2nd, चाइना 3rd, यूएसए 4th, ब्राज़ील 5th, ऑस्ट्रेलिया 6th, 7th इज इंडिया, 8th इज अर्जेंटीना, 9th इज कजाकिस्तान, 10th इज अल्जीरिया विच इज सिचुएटेड इन अफ्रीका। ऑलराइट, यू कैन सी इट, रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान एंड अल्जीरिया। ओके, चलिए अब जो अगला है इसी वीडियो में बता देता हूँ, पॉपुलेशन वाइज 10 बिगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। पॉपुलेशन वाइज 10 बिगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो इस पे सबसे पहला जो रैंकिंग है ये है चाइना का, आपको पता ही हो। तो चाइना एशिया में स्थित है और चाइना की रैंकिंग सबसे पहले नंबर पे है पॉपुलेशन के हिसाब से। ऑलराइट, जो वन चाइल्ड पॉलिसी थी चाइना की वो अभी 2 साल पहले हमने चेंज कर लिया है,
मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा के ये मतलब आप दो से ज़्यादा बच्चे रख सकते हैं, एक से ज़्यादा बच्चे रख सकते हैं, ऐसा हो गया है। पहले वन चाइल्ड पॉलिसी थी, तो चाइना इज़ द एट द टॉप नंबर, एट फर्स्ट नंबर, एट फर्स्ट रैंक एज पर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। सेकेंड इज़ आर कंट्री इंडिया, ओके, इट इज़ अगेन इन एशिया। थर्ड इज़ USA, देख लीजिए आप USA की रैंकिंग पर ध्यान देना होगा। USA फोर्थ नंबर पर है एरिया वाइज एंड पॉपुलेशन वाइज थर्ड नंबर पर है USA, बहुत बड़ी बात है। तो USA नॉर्थ अमेरिका इसके बावजूद भी ये पूरे वर्ल्ड का सबसे टॉप नेशन है, तो आप समझ सकते हैं। USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तीसरे नंबर पे है, चौथे पे है इंडोनेशिया, चौथे पे है इंडोनेशिया, जहाँ भी एशियन गेम्स हो रहे थे, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। नेक्स्ट इज़ ब्राज़ील, ब्राज़ील देखिए इसमें पाँचवें नंबर पे है और उसमें भी पाँचवें नंबर पे, ये बहुत अच्छी बात है, ये टैली कर गया दोनों जगह कि पॉपुलेशन में भी ब्राज़ील पाँचवें नंबर पे है और एरिया में भी ब्राज़ील पाँचवें नंबर पे है। नेक्स्ट छठे नंबर पे देखिए पाकिस्तान, इतना छोटा सा देश और पॉपुलेशन के हिसाब से इतना बड़ा है, ऑलराइट, पाकिस्तान एशिया में हमारा पड़ोसी देश, छठे नंबर पे है। नाइजीरिया इज़ ऑन सेवन्थ नंबर, नाइजीरिया इज ऑन सेवन्थ नंबर एंड बांग्लादेश इज़ ऑन एट्थ नंबर। बांग्लादेश देखिए छोटा सा देश और ये आठवें नंबर पे, यही हमारा पड़ोसी देश है, इनफैक्ट इज़ बॉर्न आउट ऑफ इंडिया ओनली। नेक्स्ट इज़ ऑन नाइन्थ नंबर इट इज़ रशिया, देखिए रशिया पहले नंबर पे है एरिया के हिसाब से बट पॉपुलेशन में नाइन्थ नंबर पे है। नेक्स्ट इज़ टेंथ इज़ जापान, ओके, सो इसमें एशिया के मैक्सिमम कंट्रीज़ हैं, ओके, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूँ, चाइना फर्स्ट पॉपुलेशन, इंडिया सेकंड, USA थर्ड, इंडोनेशिया फोर्थ, ब्राज़ील फिफ्थ, पाकिस्तान सिक्स, नाइजीरिया सेवेंथ, बांग्लादेश एट्थ, रशिया नाइन्थ, टेंथ इज़ जापान, ऑलराइट, टेंथ इज़ जापान, समझ गए आप, ऑलराइट। फिर से एक बार बोल दूँ, चाइना, इंडिया, USA, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, देन रशिया एंड जापान, ऑलराइट। दिस इज ऑल अबाउट द पॉपुलेशन वाइज 10th बिगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसी वीडियो में बता देना चाहता हूँ, देख लीजिए आप, ये है कि टॉप लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड, टॉप लैंग्वेजेस स्पोकन इन द वर्ल्ड, और इससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपको लगता होगा कि इंग्लिश पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज तो है, लेकिन इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा नहीं है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड में बोली जाती है, वो भाषा है मैंडारिन। ये चाइनीज़ का ही एक पार्ट है, चाइनीज़ जैसी भाषा है ये, और इसको चाइनीज़ भी कह लिया जाता है, लेकिन इसका मैंडारिन बिल्कुल सही नाम है, मैंडारिन इज़ एट टॉप, ओके। तो मैंडारिन विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, इसको याद रख लीजिएगा, पूछा जाएगा किसी एग्ज़ाम में, पूछा भी जा चुका है इनफैक्ट बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, इसलिए मैं पूरे रिसर्च के साथ ये चीज़ आपके सामने लाया हूँ। दूसरे नंबर पे जो है वो है स्पेन की भाषा स्पेनिश, इनफैक्ट ये यूएन लैंग्वेज भी है, ओके, स्पेनिश, और स्पेनिश वर्ल्ड की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है स्पेनिश। तीसरी जो है, देखिए इंग्लिश तीसरे नंबर पे है, इंग्लिश तीसरे नंबर पे है, समझिए आप, इंग्लिश कौन से नंबर पे है, तीसरे नंबर पे, ऑलराइट। फोर्थ नंबर पे जो है वो है हिंदी, फोर्थ नंबर पे कौन सी भाषा है, वो है हिंदी, और ये इसलिए है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है ही है, लेकिन इसके अलावा मैक्सिमम हिंदुस्तानी जो है, मैक्सिमम इंडियन जो है, वो आपको वर्ल्ड के लगभग हर एक देश में मिल जाएंगे, ऑलराइट। तो इसलिए हिंदी पूरे वर्ल्ड की चौथी बोली जाने वाली भाषा है। इसके बाद है अरेबिक, फिफ्थ इज़ अरेबिक, फिफ्थ इज़ अरेबिक, सिक्स्थ इज़ पोर्चुगीज, सेवेंथ इज़ बंगाली। सोच लीजिए आप, हिंदुस्तान की एक भाषा हिंदी को छोड़कर बंगाली है, जो पूरे वर्ल्ड में सातवें नंबर की भाषा है, सातवें नंबर पे, मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड के बोली जाती है ये सातवें नंबर पे, मतलब इट्स रैंकिंग इज सेवेंथ इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट इज़ रशियन, ओके, रशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है वो इतना ज़्यादा नहीं बोली जाती है और वो आठवें रैंकिंग पे है, ऑलराइट। तो मैं इसको पुनः दोहरा देता हूँ एक बार, मैंडारिन फर्स्ट, स्पेनिश सेकंड, इंग्लिश थर्ड, हिंदी फोर्थ, अरेबिक फिफ्थ, पोर्चुगीज सिक्स्थ, बंगाली सेवेंथ, रशियन इज एट एट्थ नंबर। फिर से मैं एक बार बोल दूँ, मैंडारिन फर्स्ट, स्पेनिश सेकंड, इंग्लिश थर्ड, हिंदी फोर्थ, अरेबिक फिफ्थ, पोर्चुगीज सिक्स्थ, बंगाली सेवेंथ,
and Russian is on 8th number. Okay. So thank you for watching the video. If you've got any kind of knowledge from this, so please don't forget to give us a like और वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए. चाहे जैसे भी आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल या बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं. इनफैक्ट ऑलराइट, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं. ऑलराइट, सो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए. एटलीस्ट जो लोग भी इस वीडियो को देखते हैं, एटलीस्ट इसको 5 लोगों तक जरूर पहुंचाने का प्रयास कीजिए. इनफैक्ट तभी मेरे वीडियो बनाने का कोई मतलब होगा. मैंने बनाया इसलिए है ताकि मैक्सिमम लोगों का भला हो, मैक्सिमम लोग सीख पाए, मैक्सिमम लोग जान पाए. इनफैक्ट क्योंकि अगर आप ये सब इन्फॉर्मेशन खोजना शुरू करेंगे तो सब लोग एक एक करके आपको कहीं कहीं बुक करना पड़ेगा, गूगल उठाना पड़ेगा, गूगल में ढूंढना पड़ेगा और बहुत समय लग जाएगा. उससे अच्छी बात यह है कि आपको एक ही वीडियो में, 8 से 10 मिनट के वीडियो में ये सब चीज़ एक ही जगह पे उपलब्ध है, मिल जाती हैं. तो मैक्सिमम लोग तक इसलिए पहुंचा दीजिए, ये मेरी आपसे गुजारिश है. ऑलराइट, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें. सब्सक्राइब का बटन दबा के प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट इन फ्यूचर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत फटाफट पहुँच जाए बिना किसी डिले के. ऑलराइट, और एक बार एक बात और है कि मैंने फेसबुक पे महामाना एजुकेशन हब से भी पेज एक बना दिया है, उस पे भी ये वीडियो जाएंगी. तो उस पेज को भी लाइक कर लीजिए, फॉलो करना शुरू कीजिए और वहाँ से भी आप वीडियो देख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू ऑल.